ஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் நவஜலதரவரணம் சம்பகோதாசிகரணம் ஏகசுதமலினாசியம் விஸ்புரன்மந்தஹாஸ்யம் கரகருசிதுகூலம் சாருபர்ஹாவசூலம் கமதி நிகிலசாரம் நௌமி குமாரம் மனுஷ்ய கா ஜீவன் ஹை தோ கிசி தூசரே காம் கே லியே ஹி ஔர் அதிகாம்ச மனுஷ்ய ஹம் லோக் உசே லகா ரஹே ஹே தூசரே காம் மே ஜீவன் மே சப்சே படா பிரமாத் ஹை ஜீவன் கே லக்ஷ கோ பூல் ஜானா भगवान की विस्मृति और जगत में सबसे बड़ा कर्तव्य सबसे बड़ा लाभ है भगवान की स्मृति जीवन का भगवान के सन्मुख हो जाना जीवन की गति जो विषयों की ओर चली जा रही है वो गति वहां से मुड़ जाए वहां से विमुख हो जाए भगवान के सन्मुख हो जाए ये जीवन का प्रधानतम कार्य है और जहां ये कार्य आरंभ होता है वहीं से सच्ची मानवता का आरंभ होता है। मानव में और पशु पक्षी इत्यादि इतर प्राणियों में भोगों में कोई अंतर है ही नहीं, भोग सुख में कोई अंतर है ही नहीं। मनुष्य में एक विवेक है भगवान का दिया हुआ, उस विवेक के द्वारा मनुष्य अन्य योनियों में जो काम नहीं हो सकता उस काम को कर सकता है और वो काम है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रीति। तो उस काम में जब तक मनुष्य नहीं लगता तब तक वो मनुष्य नामधारी तो है, उसका नाम जरूर मनुष्य है पर वो है पशु से भी गया बीसा। तिनते खर शू कर स्वान भरे, तिनते खर शू कर स्वान भरे, जड़ता बसते न कहें कछुवे। नहीं भैया, जिनके मन राम सो नेह नहीं तो सही पशु पूछ बिखाना न द्वय। जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं है वे हैं तो पशु ही, पर बिना सींग पूछ के पशु हैं, जो उपयोग में तो आते ही नहीं, देखने में भी बुरे मालूम होते हैं। तो ये पशु का जीवन मानव जीवन की कभी अभिलाषा नहीं है, मानव जीवन की सार्थकता इसमें है ही नहीं। तो मानवता का आरंभ कहां से होता है? जहां से मनुष्य की गति भगवान की ओर हो जाती है, जितना आगे बढ़े, परंतु उसका लक्ष्य भगवान हो, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि, ये सब के सब भगवान की सेवा में लग जाए, बस मानव जीवन की वहीं से शुरुआत हो गई। और जितना जितना इसमें मानव प्रगति करेगा उतना उतना ही वो उन्नत माना जाएगा। आज की जो हमारी उन्नति है ना, यद्यपि विज्ञान बहुत अच्छी चीज है, विज्ञान जगत में आवश्यक है और विज्ञान से बड़े बड़े काम होते हैं, पर जो जड़ विज्ञान तत्व ज्ञान का हरण कर ले वो विज्ञान अज्ञान होता है। तो मनुष्य जब भगवान को छोड़कर, भगवान को भूलकर,
जागतिक साधनाओं के द्वारा जागतिक उन्नति करने में लग जाता है और वही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब मनुष्य असुर बन जाता है। असुर कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः, बस संसार में भोगों को अर्जन करो और उन्हें भोगो और कुछ काम नहीं, यही सिद्धांत। इस सिद्धांत पर जब मनुष्य का जीवन चलता है तो उसका मनुष्यत्व असुरत्व में परिणत हो जाता है। कहीं वो पशु होता है, कहीं असुर होता है, कहीं पिशाच होता है, राक्षस बन जाता है वो आदमी। इसलिए इस प्रकार के जीवन में प्रसंग आते रहने चाहिए जिससे हमारा मन चेत जाए, हमारी बुद्धि में प्रकाश आवे और हमारा जीवन विषयों की ओर से हटकर भगवान की ओर लग सके। तो इसमें सबसे सुंदर सबसे बढ़िया चीज है भगवान के लीला चरित्र। तत्व ज्ञान की बातें समझने में बहुत कम लोग समर्थ होते हैं, बड़ी आवश्यक है, बड़ी ऊंची है वो, पर सबका मस्तिष्क उसमें काम नहीं करता। जिनकी स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, वो तो समझ नहीं सकते। पर ये भगवान के पवित्र मधुरतम लीला चरित्र ऐसे हैं कि जो मोटी बुद्धि वालों के लिए भी और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए भी परम उपादेय हैं। और भगवान के लीला चरित्रों में जहां जहां पर ऊंचा भाव है वहां वहां पर और भी विशेष लाभ है। आज राधाष्टमी है भला, राधाष्टमी, हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं, राधा कौन थी, राधा का विवाह हुआ था या नहीं, राधा श्री कृष्ण की क्या लगती थी, राधा बड़ी थी या छोटी, राधा के साथ का क्या व्यवहार था, अंत में राधा को क्या प्राप्ति हुई, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं और वो अपनी अपनी भूमिका में ठीक हैं और उन सब का उत्तर भी है, सबका अलग अलग उत्तर है, वो उत्तर अलग दिया जाता है, दिया जा सकता है। परंतु साधकों के लिए एक शब्द में उत्तर है, एक शब्द में राधा है भगवत प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप और राधा का जीवन है भगवत सुख। बस जहां स्वसुख की कल्पना नहीं है, मोक्ष का अभिलाषी भी जिसको मुक्ति की कामना है वो भी अहम की मुक्ति चाहता है, उसमें भी अहम के लाभ की इच्छा है, अहम के सुख की इच्छा है, पर श्री राधा में इस अहम का सर्वथा विलोप है ही नहीं। राधा और राधा की काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाएं, इनका जीवन केवल कृष्ण सुख जीवन है बस। और बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आती, जो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, जिनसे सारा आनंद निकलता है, वे भगवान भी आनंद के पिपासु हो जाते हैं, इस रस के लिए लुब्ध हो जाते हैं, उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, मिलन की आकांक्षा जाग उठती है, वो रूप पर मुग्ध हो जाते हैं, वो रस पर मुग्ध हो जाते हैं, वो शब्द पर मुग्ध हो जाते हैं, वो स्पर्श पर मुग्ध हो जाते हैं, वो गंध पर मुग्ध हो जाते हैं। क्या है उसमें, जिस शब्द स्पर्श रूप रस गंध में भोग साथ है, भोग बुद्धि है,
भोगाकांक्षा है, वो गंदा रूप, वो गंदा शब्द, गंदा स्पर्श। पर जो रूप इस प्रकार का है जिसमें किसी प्रकार की दूसरी कोई मिश्रण की चीज नहीं, जो केवल प्रेमास्पद को सुख देने के लिए बना है, जो शब्द केवल प्रेमास्पद को सुखी करने के लिए ही निकलता है, ऐसे शब्द, ऐसा रूप, ऐसा स्पर्श भगवान के मन में कामना पैदा कर देता है, ये प्रेम का चमत्कार है। तो श्री राधा इस प्रेम की मूर्तिमती प्रतिमा है। भक्त लोग कहते हैं राधा अनादि है, भला राधा कब बनी? आजकल के विद्वान राधा का क्रम विकास मानते हैं कि राधा कल्ट, राधा संप्रदाय, राधा नाम कहां से कल्पित हुआ और वो बढ़ते बढ़ते वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के द्वारा, फिर हरिवंश वगैरह के संप्रदाय के द्वारा किस प्रकार वो विकसित हुआ, ये आज के लोग मानते हैं। परंतु राधा अनादि है, श्री कृष्ण जैसे अनादि है वैसे ही राधा अनादि है। राधा है तो कृष्ण है, राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है महाराज, स्कंद पुराण का श्लोक है, वो कहते हैं कि राधा मेरी आत्मा है, आत्मा के बिना शरीर नहीं रहता। तो नित्य है, सत्य है, अनादि है। परंतु एक बड़ा सुंदर भक्तों का दर्शन है, कल्पना ही कहते उसको, दर्शन है। ये अवतार जब भगवान के होते हैं ना, तो अवतार से पहले भगवान नहीं थे, सो बात नहीं है। श्री कृष्ण पहले भी थे, राम पहले भी थे, फिर अवतार हुआ। इसी प्रकार राधा के प्राकृत्य की एक बड़ी सुंदर एक दर्शन की भावना है। श्री कृष्ण भगवान सच्चिदानंद घन है, उनमें अमित अपार सत है, सती सत है, और वो सत चेतन है, और वो चेतन आनंद रूप है। तो सच्चिदानंद भगवान में कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। परंतु उन्होंने देखा जब वो श्री विग्रह के रूप में लीला करते, तब उन्होंने देखा कि उनको देख देख कर लोग मुग्ध होते, और ऐसे भक्तों को देखा जो भक्त उनके आनंद का अंश लेकर के और आनंद में उन्मत्त हो जाते, आनंद की अनुभूति में अपने को भूल जाते। तो उन्होंने देखा कि ऐसा आनंद तो मेरे में है, पर मेरे आनंद का मुझको अनुभव होता नहीं। आनंद रूप है पर आनंद के अनुभोक्ता नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैं अपने आनंद को भोग सकूं, अपने रूप का दर्शन करके आनंद लाभ कर सकूं, ऐसी कोई बात हो। उन्होंने अपना जो आनंद अंश था, आह्लादनीय शक्ति, उसका एक रूप बना लिया। स्वयं भगवान ही अपने आनंद अंश से राधिका बन गए, और राधिका बन के अपने को प्रेममय बना लिया, और प्रेममय बना के श्री कृष्ण को आनंद देने लगे। और आनंद देने लगे इस रूप में आनंद कौन देते हैं? श्री कृष्ण को आनंद कौन देते हैं? श्री कृष्ण ही राधा बने हुए आनंद देते हैं, और श्री कृष्ण ही आनंद बने हुए, श्री कृष्ण बने हुए आनंद लेते हैं। तो ये जो एक तत्व का परस्पर जो लीला आनंद रस आस्वादन है, यही राधा कृष्ण की लीला है। तो राधिका जो है ये भगवान श्री कृष्ण की आनंद
अंश की प्रतिमा है और इसमें भरा है केवल प्रेम ही प्रेम, और प्रेम का अर्थ है सब कुछ समझ लेने का है, प्रेम का अर्थ है त्याग, अपना त्याग, अपने सुख का त्याग, अपनी सामग्रियों का त्याग, अपने भोगों का त्याग, अपनेपन का त्याग, और उस त्याग के बदले में केवल एक चीज प्रियतम का सुख। प्रियतम नहीं, लक्षण बात है, प्रियतम न मिले, और प्रियतम के न मिलने पर जीवन संतप्त रहे, जलता रहे, परंतु वो जलन यदि प्रियतम को सुख देने वाली है तो वो जलन मोक्ष से अधिक परमानंददायिनी है। तो श्री कृष्ण का मिलन ये गोपी प्रेम नहीं, मिलन जो चाहते हैं केवल मिलन, मिलन में यदि उनकी इच्छा है तब तो ठीक, और नहीं मिलन चाहना उनकी इच्छा के विपरीत ये प्रेम नहीं। वो तो चाहते हैं कि नित्य नित्य वियोग बना रहे, इसीलिए ये गोपी प्रेम के रस में दो नित्य भाव हैं, नित्य भाव संभोग और विप्रलंभ, वियोग और मिलन। तो जब प्रियतम प्रेमास्पद श्री कृष्ण वियोग चाहते हैं, उसमें वियोग का दुख रूपी सुख ये उपलब्ध करती हैं, दुख रूपी सुख विलक्षण बात है, दुख भोग अपने लिए नहीं और सुख भोग भी अपने लिए नहीं। एक बड़ी विलक्षण बात और है, वो बात मैं कई बार कह चुका हूं, वो समझने की चीज है, वहीं पर आगे सारा मामला आ सकता है प्रेम में। दुख में तो आदमी मान लेता है कि भाई भगवान का दिया हुआ है, भगवान राजी हैं तो हम भोगते हैं, भोजन हम करें, स्वाद हमारी जीभ को आवे, परंतु स्वाद का सुख हमें तब स्वीकार हो जब उनको स्वीकार हो, नहीं तो नहीं। ये विलक्षण चीज है, अपने इंद्रियों के द्वारा अपने भोग का ग्रहण करें, और भोग ग्रहण का सुख स्वीकार तब तक न करें जब तक उनको स्वीकार न हो। उनके लिए खाएं, उनके लिए देखें, उनके लिए सूंघें, वे हमारे अंदर रह करके हमारी इंद्रियों के द्वारा तमाम भोग करें, ये स्वसुख का सर्वथा परित्याग, त्याग की पराकाष्ठा, ये श्री राधा में मूर्तिमती होकर रहती। साधन त्याग के बिना होता नहीं, जब तक विषयाभिलाषा है, विषयाशक्ति है, तब तक हम भगवान के सन्मुख ही नहीं हो पाते, तो ये त्याग करना होगा। इस त्याग की शिक्षा राधा के चित्र से मिलती है, राधा कोई हो, राधा भगवान की विवाहिता पत्नी हो न हो, राधा कहीं की हो कोई भी हो, तो राधा का अर्थ है जो भगवान की आराधना का स्वरूप है, या भगवान जिसकी आराधना में तत्पर हैं, वो राधा है। तो राधा भगवान का प्रेम, राधा भगवान का आनंद, उस राधा की प्रेम और आनंद की जो मूर्तिमान प्रतिमा है, उस राधा की आज हम इस जन्म दिवस के रूप में स्मृति मनाते हैं। हमारे अंदर पवित्र भाव आना चाहिए, हमारे अंदर त्याग की पराकाष्ठा का आदर्श सामने आ जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि राधा के रूप में भगवान हमें अपनी ओर खींचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा जो वो राधा रूप में प्रकट हुए, जगन के स्वरूप हुए ही नहीं। नारद जी महाराज उदाहरण देने लगे, भक्तों में श्रेष्ठ कौन, तो राधा तक तो नहीं पहुंचे, यथा ब्रज गोपी का नाम कह दिया,
ध्रुव को छोड़ दिया, प्रह्लाद को छोड़ दिया, भीष्म को छोड़ दिया, नारद को छोड़ दिया, व्यास को छोड़ दिया, किसी का नाम नहीं। यथा ब्रज गोपी का नाम, तो ब्रज गोपियों में क्या था? तत्सुखे सुखित्वम, बस तत्सुखी भावना, भगवान का सुख ही गोपांगनाओं का सुख। अपनी को चिंता ही नहीं, अपनी इतनी विस्मृति है कि हम क्या हैं, हमें क्या चाहिए, इसकी भी कभी कोई कल्पना नहीं आती मन में। और आती है हमें क्या क्या चाहिए, इसलिए आती है कि उनको सुख होगा। कभी गोपी कभी राधा अगर किसी सुंदर मधुर वस्तु का आस्वादन करना चाहती हैं तो क्यों चाहती हैं? इसलिए इससे उनको सुख होगा, नहीं तो नहीं। तो ये त्याग का पाठ, सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है इन गोपांगनाओं में ने और गोपांगनाओं में श्री राधा ने। उस राधा की आज हम लोग ये अष्टमी जन्माष्टमी मना रहे हैं। इसको कोई आदमी, मेरी प्रार्थना है फिर तो अपनी आंख से देखेंगे, इसको तमाशा न समझें, खेल न समझें, कौतूहल की वस्तु न समझें, कल्पना न समझें, एक मन बहलाने की चीज न समझें, झांकी देखे बड़ी अच्छी बनी, ये कुछ नहीं। राधा के हृदय को देखें जो भरा है श्री कृष्ण से, कुछ और जिसमें है ही नहीं, जिसके हृदय में और वस्तु कहीं कोई रही नहीं गई, है ही नहीं, बनी ही नहीं, बनेगी ही नहीं, आवेगी नहीं। इस प्रकार के हृदय वाली जो राधा है उसका हम आज पुण्य स्मरण कर रहे हैं, उसके पुण्य स्मरण का पुण्य हम लूट रहे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है भला, भगवान का स्मरण, और भगवान से भी अधिक भगवान के प्रेमियों का स्मरण, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। किसी प्रेमी का स्मरण हो जाए, कोई प्रेमी मिल जाए, तब तो कहना ही क्या, कोई प्रेमी से भी कभी बात करने का मौका मिल जाए तो भागवतकार कहते भागवतकार, तुलया मलवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्याना किमुताशिष। वो कहते हैं संसार के भोगों की तो बात ही क्या है, तुलयान लवे नापि, एक लव मात्र के समय के लिए कहीं भगवत प्रेमी का संग मिल जाए, भगवान के आसक्त में आसक्ति हो जाए, भगवान के प्रेमी पुरुष से बात करने का मौका मिल जाए, तो वो मिला एक लव के लिए, और उसके बदले में कहें कि भाई तुम मुक्ति तो ले लो, ये छोड़ दो, तो कहे नहीं नहीं, तुलना नहीं होती, तुलयाम लवे ना आपी न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तुलना होती है स्वर्ग की और न तुलना होती है मोक्ष की। मोक्ष भी एक लव मात्र के प्रेमी के संग के साथ तुलना नहीं कर सकता। इस प्रकार का भगवत प्रेमियों का महात्मा है। तो भगवत प्रेम की मूर्तिमान प्रतिमा, जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर सारी अवस्थाओं में सारे कालों में केवल प्रेम ही प्रेम भरा है, कोई तत्व और है ही नहीं, केवल प्रेम। इस प्रकार के प्रेम की मूर्तिमान प्रतिमा श्री राधा, तो उनका स्मरण करके हम तुच्छ विषय प्रेम को छोड़कर असली प्रेम करना सीखें, भगवान की ओर अग्रसर हों, भगवान और भगवान के प्रेमियों के प्रति हमारे चित्त का आकर्षण बढ़े, ये हमें राधा जी से और राधा जी की कायव्यूह रूपा गोपियों से सीखना है। और ये सीखने के लिए ये उत्सव है वाला, उत्सव तमाशा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यद्यपि ये महामहोत्सव है, और जहां भगवान है ना वहां रोना है ही नहीं, जहां भगवान है
वहाँ रोना नहीं है, वहाँ अनुत्सव नहीं है, विषाद नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है। वहाँ तो अगर कोई मर भी जाए सामने तो मरना भी हंसने के लिए है, रोना ही नहीं वहाँ पर। वहाँ तो केवल लीला ही लीला है, मधुर से मधुर। इसलिए उत्सव तो है ही नित्य, पर वो उत्सव नहीं है कि भाई चलो दो घड़ी सिनेमा देखने गए तो दो घड़ी राधा जी की झांकी भी देखी आए, ये नहीं। ये भी देखना अच्छा है, किसी प्रकार से गुजर मन लगे, पर हमें तो राधा का हृदय देखना है। वो हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ पूरा, कोई वस्तु ही नहीं। और उस प्रकार के प्रेम का आदर्श मान करके राजा की अनुगता, किसी सखी सहचरी की अनुगता होकर उस प्रकार के प्रेम को प्राप्त करने की कम से कम आकांक्षा हमारे मन में जाग जाए राधा जी के पुण्य स्मरण से, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो कहना यह है कि दो दिन इस काम में आप लोग जो आवे, ये इस भाव से आवे कि ये भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की मूर्तिमती प्रेम प्रतिमा का सजीव दर्शन कर रहे हैं। तमाशा खेल न समझें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर भगवत प्रेम की आकांक्षा पैदा कर। प्रेम की आकांक्षा यदि हो गई तो काम को खा जाएगी। विशुद्ध प्रेम की आकांक्षा विषयाशक्ति को खा जाती है, रह नहीं पाती। हमारी तो प्रेम की आकांक्षा ही नहीं, हम तो प्रेम के नाम पर काम सेवन करते हैं। प्रेम की आकांक्षा हमारे अंदर जाग उठे श्री राधा रानी के, राधा जग जननी के प्रसाद से, तो हमारा जीवन सफल हो गया। इस प्रसाद की प्राप्ति के लिए, इस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए ये आज का ये आयोजन है। इस आयोजन में मैं तो उत्साही नहीं, मुझे तो उत्साह नहीं होता, जीवन में सात्विकता है नहीं, ये सारी बाबा की कृपा है। सच्ची बात है, बाबा ने इस उत्सव का प्रवर्तन किया और अब भी उन बाबा की शायद गुप्त इच्छा से ही कि ये अभी तक चल रहा है। मेरी इच्छा हो जाए तो बंद हो गया होता कभी कम। ये बाबा का, स्वामी जी महाराज का, उनका प्रवर्तित ये महोत्सव है। और उनको देख लीजिए, उनमें कहीं कोई विषय है क्या? तो उनके उत्सव में भी ये जो विषय दिखते हैं, ये विषय राधा प्रेम की स्मृति के लिए है, ये विषय नहीं है। इनको विषय की आंख से आप लोग न देखें, भगवत पूजा के भाव से, भगवान के साक्षात विग्रह के रूप में इनको देखें और इनसे ठीक लाभ प्राप्त करें, तभी ये देखना ठीक होगा। हरि ओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है राधा अष्टमी के दिन का प्रवचन, और इसका कैसेट संख्या है 55। तमहं वंदे परमानंद माधवम् नवजलधरवरणं सम्पकोद्भासिकरणं विकसितमलिनाशयं विस्फुरन्।